गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी सब्जेक्ट। आज मैं आपको मशीनरी आवर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगी। तो पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उसके बाद उसको कैसे कैलकुलेट करके करके देखेंगे हम, ठीक है। तो कंप्यूटर से मशीनरी आवर रेट ये इसका फॉर्मेट है, आप तो स्क्रीनशॉट ले ले चाहे नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद मशीनरी आवर रेट में देखिए दो चीज़ मेन होता है, एक तो होता है फिक्स प्राइस और एक होता है वेरिएबल। यानी जो एक तो जो होता है फिक्स प्राइस, जो हमें लगना ही लगना है, हम चाहे कुछ काम करें या ना करें। एक होता है वेरिएबल, जितना हम यूज़ करेंगे या जितना काम करेंगे उसके हिसाब से। तो रेंट, अब मान लीजिए कोई स्टॉक रखने के लिए आपने कोई दुकान या कुछ भी लिया है, तो क्या आप कम प्रोडक्शन कर रहे हैं या आपका दुकान नहीं चल रहा, तो क्या वो रेंट कम लेगा, नहीं लेगा। तो वो ये रेंट क्या हुआ, फिक्स चार्ज हो गया। फिर लाइट, लाइट क्या है, अपने आप दूर घर ले रखा है, वहाँ पे सामान रख रखा है, तो लाइट तो चलाना ही पड़ेगा चाहे आप काम करो या ना करो, तो वो लाइट भी फिक्स है। सैलरी, अब किसी वर्कर को दे रखे, आप मान लीजिए कम प्रॉफिट हो रहा था, क्या आप उसे बोलेंगे कि आप कम सैलरी ले लो, या ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसे आप बोलेंगे कि दे देंगे उसे दुगना सैलरी, नहीं देंगे ना। तो ये सैलरी क्या हुआ, फिक्स। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आप फिक्स होता है कि इतने हमें पर मंथ देना है या पर एनम देना है, जो भी देना है। उसके बाद कार्टून वॉश, ये भी फिक्स होता है, ठीक है। अब कह रहे आवरली रेट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो टोटल निकला है और नंबर ऑफ मशीन आवर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, आवरली रेट, यानी पर आवर हमें कितना इसका एक्सपेंस पड़ रहा है। उसके बाद है वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल मतलब जो यूज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना हम पे पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, यूज के हिसाब से पता है। नेक्स्ट तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मशीन को हम जितना यूज करेंगे उतना लगेगा, रिपेयर जब ख़राब होगा तो रिपेयर करेंगे और है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका मशीनरी आवर रेट का, कंप्यूट द मशीनरी आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्ज, स्क्रैप वैल्यू, रेंट एंड शॉप पर मंथ, जनरल लाइटिंग शॉप, इंश्योरेंस, रिपेयर, 10 यूनिट आवर, ये सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए, ठीक है। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल, वो देखते हैं, ठीक है। अब मशीनरी आवर रेट के हम, ये हमारा फॉर्मेट है पार्टिकुलर पर, ये क्या पर आवर या पर कॉस्ट या अमाउंट लिख दीजिए, जो भी लिखिए आपकी मर्जी, ठीक है, या पर यूनिट जो भी लिखना है, ठीक है। और ये क्या हुआ पर आवर। अब यहाँ पे स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग मतलब जो फिक्स है, फिक्स चार्ज के रेंट हमारा फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए हमें रेंट, रेंट का जो भी दिया हुआ था, रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ, पर मंथ का कितना है 1200। अब हम आवरली, अगर आप मंथ में ले रहे हो तो हर चीज़ को मंथ में कन्वर्ट करोगे, अगर आप आवर में ले रहे हो तो हर चीज़ को आवर में कन्वर्ट करोगे। तो अब पर आप पर एनम, सॉरी एनम में ले रहे हो तो एनम में कन्वर्ट करोगे। तो मैंने 1200 पर मंथ था, तो हमने एनम में कन्वर्ट किया, 12 में से मल्टीप्लाई किया, तो 24 आ गया। उसके बाद द मशीन, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होते थे। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द शॉप, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ शॉप को क्या है, 1/4 में रखा हुआ है मशीन, मतलब जितना भी एरिया है उसके 1/4 में रखा हुआ है। तो भाई हम जितने में रखेंगे उतने का ही तो जितना यूज़ करेंगे, मतलब जितना हम यूज ले रहे हैं उससे। आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग में आप जो फ्लैट ले रहे हैं, जितने रूम ले रहे हैं उतने का ही तो किराया देंगे, तो उसके 1/4 में रखा हुआ है मशीन। तब हम उसे 1/4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 2400 को हमने 1/4 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया, ये 600 आ गया। उसके बाद है लाइट, लाइट 300 पर एनम में था, 1200 का हमने लिखा है 3600 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसका भी है, ये भी 1/4 में ही, तो 1/4 जगह में अगर हम मशीन रखेंगे तो उतने में ही तो लाइट भी लगेंगे ना, लाइट तो हमारा ओवरऑल दिया हुआ है ना टोटल का, तो इसका भी फिर हमने 1/4 किया तो 900 आ गया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, इंश्योरेंस पर एनम में दिया हुआ 960, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, 960 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद है सैलरी, सैलरी 600 पर मंथ है,
ट्वेल्व मंथ, तो ट्वेल्व पर एनम के लिए 7200 निकल गया। उसके बाद सैलरी का फिर देखिए, इसका एडजस्टमेंट है यहाँ पे, सुपरविजन डिवोटेड 1/3 ऑफ हिज टाइम ऑफ मशीन, ठीक है, मतलब पूरे का 1/3 टाइम लग रहा है उसका सैलरी, जो सैलरी दे रहे हैं तो ये पूरे दिन का है जिसमें उसका 1/3 ही लग रहा है, तो उसे हम 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो 7200 को 1/3 से डिवाइड किया तो 2400 आ गया। अब ये टोटल स्टैंडिंग चार्ज पर एनम आ गया। अब हम आवर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना है, 4860 है, 4860 को आवर कितना था, एस्टिमेटेड आवर पर एनम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4.6 पर आवर हो गया, इसका कॉस्ट हो गया, यानी 4.6 पर आवर का कॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करेंगे हम, वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल में क्या मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन आता है, ये सब आप देखना है, ठीक है, ढूंढना है क्या वेरिएबल में है क्या फिक्स में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, फिर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो नीचे मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट इसका नाम डाल दो, वर्किंग नोट करके आप कर सकते हो। वर्किंग नोट में देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन कितना था, 10,000, स्क्रैप वैल्यू उसमें से हमने माइनस कर दिया 5,000, तो 1,05,000 आ गया, ठीक है। अब ये कितने ईयर के लिए, 15 ईयर में, तो 15 ईयर से हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 7,000 पर एनम में आया। अब हम आवरली में निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1,000 है ना, 1 मतलब पर एनम में एक साल में 1,000 आवर काम होता है, तो डेप्रिसिएशन हमने 1,000 आवर का निकाला तो कितना आया, 7, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आया, डेप्रिसिएशन आया पर आवर में 7 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर है, तो रिपेयर कितने, 1,000 आवर लग रहा है और 1,000 पर एनम भी है, 1,000 रुपीज़ लग रहा है पर एनम के हिसाब से, तो इसका रिपेयर क्या आ गया, 1 रुपीज़ आ गया। उसके बाद पावर फॉर 10 यूनिट्स के हिसाब से, सॉरी पावर फॉर 100 यूनिट, और एक 10 यूनिट का दाम कितना, 20 रुपीज़, तो फॉर द 10 यूनिट का कितना आएगा, 2 रुपीज़ आएगा। उसके बाद मशीनरी रेट इनका टोटल कर दिया हमने, तो ये आ गया क्या आ गया, मशीनरी रेट कैलकुलेट कर लिया हम। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।